सविस्तर बातम्या. आज गुरु नानक जयंती शहरात मोठ्या उत्साहात साजरी करण्यात आली. यानिमित्त शहरात विविध सामाजिक कार्यक्रमांचं आयोजनही करण्यात आलं होतं. शीख समुदायाचे धर्मगुरू गुरु नानक यांची जयंती आज शहरात मोठ्या उत्साहानं साजरी करण्यात आली. शहरातील सर्व गुरुद्वारांमध्ये धार्मिक कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या अनुषंगानं पंजाब येथील दमदमा गुरुद्वाराचे जत्थेदार बाबा गुरुमुख सिंगजी आज शहरात आले होते. याप्रसंगी त्यांनी उस्मानपुरा येथील गुरुद्वाऱ्यात कथा वाचन केलं. त्यानंतर गुरुद्वारा समितीचे अध्यक्ष मनमोहन सिंग ओबेरॉय यांच्या घरी सदिच्छा भेट दिली. शीख समाजाच्या वतीनं त्यांचा भव्य सत्कार करण्यात आला. तसंच त्यांच्या हस्ते अपंगांमध्ये 3-चाकी सायकलींचं वाटप करण्यात आलं. यावेळी मनमोहन सिंग ओबेरॉय, हरविंदर सिंग नीर, इंद्रजीत सिंग, गुरुदत्त जगदेव सिंग, नवीन ओबेरॉय व शीख समाजाच्या अनेक मान्यवरांची उपस्थिती होती. एमसीएनशी बोलताना जत्थेदार गुरुमुख सिंगजी यांनी देशवासियांना समतेचा संदेश दिला. जो साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जिन्होंने संसार भर में हरेक इंसानियत को समुची मनुक्ता को उस अकाल पुरुष के पाव पे नमन करने का जो संदेश और उपदेश किया संसार भर में रटनकर गुरु नानक साहब जी ने जैसी महान बख्शिश किया देशवासियों के और समुचे लोगों के ऊपर उनका एहसान कभी कोई भूल नहीं सकता. गुरु नानक साहब जी के इस प्रकाश दिहाड़े पे महाराष्ट्र में औरंगाबाद में जो सिख समुदाय के लोगों की तरफ से और मैंने देखा अपनी आंखों से कि हरेक धर्म का व्यक्ति इस गुरु नानक साहब जी के पावन प्रकाश दिहाड़े पे आकर साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को उन्हें नमन किया है और गुरु साहब जी के पावन उपदेशों को श्रवण किया. सतगुरु गुरु नानक साहब जी दया करे समुची मानवता के ऊपर और सिख समुदाय के लोगों के बीच आपसी एकता इत्तेफाक प्यार की जो सद्भावना है ये सदैव काल के लिए बनी रहे.